तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि HFCL से जुड़ी हुई हर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो उसी वीडियोस में आज हमको HFCL के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सोलिडेट रिजल्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का एंड एक साल पहले की बात करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट HFCL ने दिखाए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो पहले बात करें अगर इनकम के बारे में, तो यहाँ पे इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1182 करोड़ के आसपास ये नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें 1070 करोड़ के आसपास के थे, यानी कि उसमें हमें थोड़ी सी जंप देखने को मिल रही है। तो वहीं पिछले ईयर की बात करें तो उसमें हमें 1126 करोड़ के आसपास थे, यानी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिल रही है, जो कि हम इसे फ्लैट रिजल्ट ही मान सकते हैं। तो अब अगर एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा तो उस तरह से एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे देख सकते हो बढ़ा हुआ है एंड पिछले ईयर से भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ा हुआ है। तो वो तो बिजनेस चलेगा, इसलिए बढ़ने वाली ही बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें इस साल देखने को मिल रहा है 84 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में था 53 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे हमें काफी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि इतनी बड़ी भी गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इसे फ्लैट रिजल्ट ही मान सकते हैं, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा जंप देखने को मिला हुआ है। तो वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में यहाँ पे इस साल की बात करें तो वो 0.60 है, तो वहीं पिछले क्वार्टर में था 0.37 एंड पिछले साल था 0.64। तो यहाँ पे भी हमें सेम कहानी नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें तो HFCL का रिजल्ट हमें तकरीबन फ्लैट ही नजर आ रहा है एंड ईयर ऑन ईयर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है एंड एक तरह से का इतनी अच्छी बात नहीं भी है। हालांकि अगर हम पिछले रिजल्ट के कंपैरिजन करें तो उससे तो काफी बेहतर रिजल्ट इस बार HFCL ने हमें दिखाया हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये नंबर्स कैसे लगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। HFCL से जुड़ी हुई हर न्यूज के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ ही कल आने वाले रिजल्ट के बारे में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज हमने बताई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके जा सकते हो, जहाँ पे हमने आपको एक काफी गुड न्यूज बताई हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।